हेलो फ्रेंड, मैं उस्यानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइन पुर में। आज मैं आपके साथ एक स्लीव की डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी जो लंबाई रखी है 9 इंच है, चौड़ाई इसकी 8 इंच है। मैं छोटी साइज में आपको दिखा रही हूँ, आप अगर चाहें तो बढ़ा के भी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ से देखिए, मैं 6 इंच के बराबर में एक मार्किंग की हूँ ऊपर के साइड से, और 2 इंच का जो स्टिचिंग का रखेंगे। और यहाँ से 4.5 4.5 इंच का देखिए चौड़ाई रख रही हूँ नीचे का जो कोहनी के पास रहेगा। और यहाँ से देखिए 2 इंच की स्टिचिंग के मार्जिन ले लिए हैं। अब 3 इंच के ऊपर की साइड से आर्म होल का शेप देंगे, 3 इंच रखेंगे। यहाँ से इतनी गहराई रखनी है आपको, तो यहाँ से मार्क कर देंगे आर्म होल का पूरा। ये मार्किंग हो चुकी है। अब दोनों लाइन को बराबर रख देंगे, जो स्टिचिंग की लाइन है, जो स्टिचिंग एडजस्ट करेंगे वो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। पहले इसकी शेप में कटिंग कर देंगे। तो ये आर्म होल की शेप मैंने कटिंग कर दिया, एक्स्ट्रा दूसरी साइड से भी कोहनी की साइड से भी निकाल दिया है। तो ये मैंने देख ली, स्लीव की पूरी कटिंग कर दी है। अब इसके साथ इस पे ऊपर जो डिजाइन का मार्किंग कर लेंगे, पहले इसकी स्टिचिंग की जो मार्किंग है वो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब नीचे की साइड से 1.5 इंच के बराबर में एक मार्किंग कर लीजिएगा। तो 1.5 इंच के बराबर यहाँ से एक मार्किंग करके ये छोड़ देंगे, और ऊपर से डिजाइन के लिए 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे इसकी। तो यहाँ से मार्किंग करेंगे, ऊपर के साइड से कर देंगे मार्किंग। दोनों मार्क को बराबर करते यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जैसे ये लाइन को ड्रॉ किए हैं, इसी तरीके से इस पर डिजाइन भी करना है, तो दूसरी साइड से भी सेम आपको मार्किंग करना है। पहले इसकी फैब्रिक की कटिंग कर लीजिएगा। तो जिस डिजाइन में अस्तर को मैंने कट किया था, उसी डिजाइन में सेम देख लीजिए, ये फैब्रिक को भी कट कर दिया है। अब दोनों को पहले इसको साइड रखेंगे, दूसरे साइड मार्क करने के लिए मैंने थोड़ा प्रेस कर दिया है, तो इस साइड में मार्किंग थोड़ी सी दिखने लगी, उस पर डार्क कर लिए हैं। अब इसके साथ में आस्तीन का फैब्रिक ले लेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दीजिएगा। और जिस तरीके से मार्क किए हैं, मार्किंग के ऊपर से पूरा सिलाई लगाते हैं, इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोनों पार्ट्स को मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ एक दूसरे के साथ में। इसी तरीके से स्टिचिंग कर लीजिएगा। ये कम्प्लीटली हो चुका है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक सिलाई के पास से छोड़ते जाइएगा, बिल्कुल पास से कटिंग नहीं करनी है। अब दोनों कॉर्नर में छोटा छोटा कट लगा लीजिएगा, इससे जब पलट कर सीधा करेंगे तो कॉर्नर बिल्कुल उभर कर दिखने लगेंगे, नहीं तो कॉर्नर जो है सही से आएंगे नहीं पलटने के बाद। हाथों से थोड़ा बराबर प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। कि फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े दोनों को बिल्कुल बराबर रखिएगा, और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। ये मैंने दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अच्छे से अटैच कर दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी दिख रहे हैं उसको कटिंग करके निकाल दीजिएगा। ये बन चुका है। नीचे का इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए मैं अस्तर का एक पट्टी कट कर ली हूँ, देख लीजिए। इसको पट्टी को पहले नीचे की साइड आपको बराबर रखना है, और स्लीव के साथ में इसको अटैच कर देंगे पूरा। इसके साथ में इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। जो ये पट्टी मैंने ज्वाइंट की, इसको फैला लीजिएगा, इसके ऊपर से सिलाई लगा तो इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे नीचे का, तो पहले इसको डबल फोल्ड करके फिर सिलाई लगा के अच्छे से यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो बॉर्डर आपको चौड़ा पतला जैसा रखना आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने थोड़ा पतला में ही बॉर्डर को स्टिच करके बना लिया स्लीव को। इसको साइड रखेंगे स्लीव को। आगे का आपको डिजाइन बना के दिखाएंगे, जिसके लिए मैंने देखिए एक पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की चौड़ाई रखी है 1.5 इंच, 1.5 इंच रखी है। इसको दोनों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा आपको फोल्ड करना है, बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर दीजिएगा। दोनों साइड फैब्रिक एक बराबर में ही होनी चाहिए। फिर सिलाई लगाते हुए जिस साइड से खुला है उसी साइड से पहले आपको स्टिचिंग करनी है इसकी। ये देखिए मैंने एंड तक इसकी सेम ऐसे डिजाइन को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड से भी इसकी एक सिलाई लगाएंगे और पूरा अच्छे से स्टिच कर देंगे। ये पट्टी मैंने बना दी, इसको डिजाइन करने के लिए कटिंग करेंगे।
तो डिजाइन करने के लिए मैं देख लीजिए कितनी कट ले रही हूँ पट्टी। तो मैं इसकी 3 इंच लंबाई रख रही हूँ। तो 3 इंच के बराबर जितनी पट्टियां हैं सबको फोल्ड कर लीजिएगा, सबकी लेंथ जो एक बराबर में होनी चाहिए। तो मैंने ये देखिए सबको फोल्ड करने के बाद कटिंग करके दोनों साइड से इनको अलग अलग पार्ट में कर लिया है। अब ये जो पट्टी है इसको आप साइड रखिएगा, डिजाइन बनाने के लिए न्यूज़पेपर यूज करेंगे। तो मैंने न्यूज़पेपर की पट्टी कट कर दी है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच, लंबाई मैंने इसकी रखी है 8.5 इंच। अब इसके साथ में पहले आस्तीन लेंगे, आस्तीन के जो बीच में एक मैंने कटिंग करके डिजाइन बनाई है उसी बराबर मार्किंग कर लेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर। इतने एरिया में आपको डिजाइन बनाना है जो पट्टियां मैंने ली है उससे। तो देख लीजिए कैसे बनानी। पट्टियों को पहले लेंगे और इसको इस तरीके से आपको क्रॉसिंग में डिजाइन को इस पे अटैच करना है बनाते हुए। तो वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से पूरे डिजाइन को बनाते हुए अटैच कर लेंगे इस पे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई डिजाइन क्लियर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो ये देखिए मैंने ये डिजाइन एक साइड से पूरा बनाते हुए स्टिच कर लिया, दूसरी साइड से भी सिलाई लगाते हुए अच्छे से स्टिच कर देंगे। अब जो मैंने डिजाइन को बनाया इसको स्लीव के साथ में अटैच करना है, तो स्लीव ले लीजिएगा, इसके बीच में बिल्कुल बराबर रखिएगा। डिजाइन एक इक्वल ही आना चाहिए दोनों साइड से, जितना उस साइड से ले रहे हैं उतना दूसरे साइड से भी लीजिएगा। अब इसको सिलाई लगा के अटैच कर देंगे स्लीव के साथ में। तो मैंने देखिए इसकी स्टिचिंग अच्छे से कर दी है, इसकी थोड़ी डेकोरेशन करेंगे। तो पहले न्यूज़पेपर को रिमूव कर दीजिएगा पूरा अच्छे से। चलिए आपको डेकोरेट करके दिखाते हैं, पहले इस पर लेस लगाएंगे। तो मैंने देख लीजिए एक लेस ले ली है, लेस को बिल्कुल कॉर्नर से रखना है आपको, जहां से डिजाइन है उसके कॉर्नर से ही रखते हुए, और जहां से भी इसका क्रॉसिंग का सॉरी जहां से भी इसका कॉर्नर है वहां से अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा वी शेप में। तो लेस को स्टिच कर लिए हम नीचे के साइड से भी, जहां सिलाई लगाते हुए मैंने ये नीचे का बॉर्डर बनाया था सेम उसी जगह से लेस को भी रखते हुए स्टिच कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने दोनों जगह से इसकी डेकोरेशन कर दी है। अब जो ये पट्टियां ज्वाइंट करके डिजाइन की इसकी थोड़ी डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने ये गोल्डन कलर की जो छोटी वाली बीच वाली मोती आती है उसको यूज करेंगे, तो डिजाइन ज्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ से एक एक मोती को अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा मोतियों को मैं कैसे टक कर रही हूँ डिजाइन पे। इसी तरीके जितनी भी डिजाइन है सभी के ऊपर से आपको मोती टक करनी है। तो कम्प्लीटली मैंने पूरी ये डिजाइन बना दी है। डिजाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ, जैसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।